लेकिन जाते जाते अगर आपको याद होगा द लास्ट क्या था, क्योंकि एक हमने एस्टिग्मेटिज्म बना करके एक बढ़ा दी थी, तो मेरे हिसाब से शायद एट लास्ट व्हेन आई हैव लेफ्ट दैट, तो मैंने शायद डिफेक्ट्स के बारे में शायद था, माइपिया मैंने बता दिया था, कर दिया था, ओके ना। इसका मतलब ये आपका पॉइंट्स नंबर आपका नाम होगा, दिस पॉइंट आपका जो नंबर होगा 20 होगा डबल एक्स, अभी मैं आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, अभी की मैं जितने भी पॉइंट्स ऑल द पॉइंट्स विच आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड बाय आपका नाउ एक्सप्लेनिंग दिस ऑल, आइदर दैट इज इन ए लॉन्ग वे और इन ए शॉर्ट वे, आप उसको घर जाकर के सिर्फ थोड़ा उसको पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर को, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं दैट इज पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, जिसको चैप्टर एट ए ग्लांस कहते हैं, कि जो चीनी आप जैसे एक मुट्ठी में आप समेट लेते हैं आपका नाउ दिस इज, तो वही मतलब पूरे चैप्टर को आप एक मुट्ठी में समेट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द चैप्टर एट ए ग्लांस। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट अपन बिकॉज यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ द इंग्लिश मीडियम, तो आपके जो बेसिकली जो वोकेबलरीज होने चाहिए, जो डिक्शनरीज होने चाहिए, दैट मस्ट बी मोर देन माई इफिशियंसी टू, ये याद रखो आप, जब आप ट्रेस करने की आप में क्षमता होगी ना तभी आपको आगे बढ़ने की क्षमता होगी, याद रखिएगा। एकोमोडेशन पे कल हमने कहा था, तो इसे ओके नाउ अब आपका था ना, मैं आ रहा हूं पॉइंट पे, तो मायोपिया की बात कर रहा था, मायोपिया मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं आपका, देखो ना ये जो है आई एराइजेस ड्यू टू आई, इसके मायोपिया आने के दो कारण होते हैं इस डिफेक्ट के आपका नाम, एक तो फर्स्ट एक्सेसिव कर्वेचर आपका जो होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का जो कर्वेचर ओरिजिनल होता है उससे थोड़ा बढ़ जाना, आप समझ रहे एक्सेसिव का मतलब ये आपका नाम। एंड दूसरी चीज आपके जो है जो आपकी आती है इलॉगिनेशन, दिस इज द इलॉगिनेशन आपका नाम, दिस इज द इलॉगिनेशन ऑफ द आई बॉल, और आई बॉल का भी आपका वृद्धि हो जाना उसमें, दैट इज कॉल्ड, क्लियर हो गया शॉर्ट में अभी हम, बल्कि मैं तो जब इसको पढ़ाऊंगा इसके बारे में मैं आपका पूरा फिगर बना करके काम करूंगा मैं इसमें, कि रेटिना के आगे बनती पीछे बनती कौन सा डिफेक्ट है वो, अभी हम सिर्फ इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर रहे हैं, इज इट क्लियर ना। द पॉइंट नंबर आपका नाम 21 में आपका नाम देखो, दिस इज द सो दिस मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाई आपका ना देखो बाय करेक्टेड बाई यूजिंग कनकेव लेंस आप लगाएंगे शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, याद रखिएगा हूज फोकल लेंथ हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू as the distance of far point of the defective eye, ये देखिए। तो मायोपिया के जिनको बच्चों को बीमारी है या बुड्ढों को बीमारी है जिसको बीमारी है, ये तो आप बताएंगे मुझे कि बच्चों को होती है बुड्ढों को होती है बीमारी,
एग्जैक्टली बिल्कुल सही, तभी मैंने बच्चा बोला, आपने पकड़ लिया। तो इसको करने के लिए आपको कनकेव लेंस को करेक्ट करने के लिए इसको कनकेव लेंस की जरूरत होती है, जिसकी फोकल लेंथ आपका सेम उसकी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, कितनी एज द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट, जो डिफेक्टिव आईज की आपकी फार पॉइंट की डिस्टेंस होनी चाहिए उसके बारे में। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 22। अब बात करते हैं नाउ हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया आपका नाम देखो, हाइपरमेट्रोपिया को आपका नाम फार साइटेडनेस भी आपका कहा जाता है, आपका नाम देखा दिस, या इसी को आपका लॉन्ग साइटेडनेस भी आपका कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका नाम देखा। तो इसमें क्या होता है, अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ये आपका देख रहे था, बट कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, दूर वाली को तो देख लेता है, नजदीक वाली को नहीं देख पाता है, आपका नाम देखो, दिस इज सो शार्पली सो क्लियरली, यहां पे क्लियरली का मतलब शार्पली होता है आपका नाम देखो अंग्रेजी है, इसीलिए तो ना फॉर फार साइटेडनेस या फार साइटेड आई भी आप लिख सकते थे, एस आई जी एस टी ई डी, तो दिस फार साइटेड आई के लिए द जो इसमें जो नियर पॉइंट आपका देखो इज नॉट एट 25 सेंटीमीटर पे नहीं होना चाहिए, फार साइटेड ठीक है ना, तो नियर पॉइंट इज नॉट एट 25 सेंटीमीटर बट हैज शिफ्टेड, ये शिफ्ट हो जाती है आपका ना देखो अवे फ्रॉम द आई, आंख से दूर शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन फोकल लेंथ, स्मॉल आपका मतलब फोकल लेंथ, और दो रीजन है डिक्रीज इन पावर, या तो पावर आपकी डिक्रीज हो जाती है आपका देखो ना ऑफ द आई लेंस, ये हाइपरमेट्रोपिया है आपका नाम देखो दिस इज जी हाइपरमेट्रोपिया। यहां पर हाँ हाँ फार साइटेड आई का मतलब ही हुई हाइपरमेट्रोपिक आई, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, आप सही बकरे हैं। इसके बाद नाउ 23 पॉइंट्स पे आपका नाम देखो दिस हाइपरमेट्रोपिया एराइजेस, ये भी आपका ना ड्यू टू, इसके भी दो रीजन है, द फर्स्ट रीजन इज, जो पहला रीजन है आपका नाम देखो दिस इज द ये लेस कर्वेचर ऑफ द कोरिनिया, कॉर्निया का सिकुड़ जाना, कम आपका लेस कर्वेचर आपका हो जाना चाहिए, या आपका नाम इसके मतलब क्या हो गया द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू ग्रेट, ये हुआ सब, एंड दूसरा वाला आपका नाम देखो दूसरे वाले कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ सेकेंड, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आई बॉल, इसमें आई बॉल का भी कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब सिकुड़न आ जाना, कम होने का मतलब वही है सिकुड़ जाना आपका नाम देखो दस, अब सब आपको देखो सब साथ ही साथ आप चिंता मत करें सब आएगा आपका जब एक्सप्लेन, अभी तो आप सिर्फ 24 इसमें देखो, तो ना
हाइपरमेट्रोपिया आपका याद होगा, दिस इज द कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इसमें आपका कन्वेक्स लेंस का आपका नाम देखो यूज किया जाता है आपका नाम, सुटेबल कन्वेक्स लेंस भी आप लिख सकते हैं, विच फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की बनाता है सिचुएटेड एट 25 सेंटीमीटर, जो 25 सेंटीमीटर नाउ एट द नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई के होता है आपका नाउ देखो दिस इज द सो दैट नाउ द आई लेंस कैन फोकस इट ऑन द रेटिना, जिससे कि वो आई लेंस आपका देखो नाउ द आई लेंस कैन फोकस ऑन द रेटिना आपका, तो जो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा उससे आई लेंस आपका जो भी इमेज आपकी बनेगी डिफेक्ट आएगी जो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट पे है सिचुएटेड वर्चुअल इमेज उसके रेटिना पे आपकी बनेगी। इसके बाद 25 पॉइंट RETINA रेटिना कौन सा ये? अच्छा ये RERA बिल्कुल सही है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन दिस इज विच इज नोन एज इन हिंदी आवर्धन क्षमता शायद पता नहीं, तो द पावर एकोमोडेशन ऑफ आई ये डिक्रीज विच या डिक्रीजेस विद एजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग, धीरे धीरे जो कमजोर हो जाती है कौन ऑफ द सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स के कहने के एंड इसके साथ ही साथ डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द तो डिमिनिशिंग आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस की डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आपका नाम देखो दिस तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड और ऐसी जब पावर अकोमोडेशन आई की आपका नाम डिक्रीज हो जाती है उम्र के बढ़ने के साथ और सिलेरी मसल्स धीरे धीरे आपका कमजोर होने लगता है तो जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होने लग जाती है, डिमिनिशिंग का मतलब छोटी आपकी होने लग जाती है, तो ड्यू दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड जो आपने मुझे पूछी थी जी एग्जैक्टली प्रेसबायोपिया PRESBYOPIA प्रेसबायोपिया है आपका नाम तो शायद आपने मुझे मैं किस चैप्टर में पूछा था रिफ्लेक्शन में पूछा था आपका उसमें घुसेड़ा था हमने पॉइंट तो ना देखो था सर कॉकटेल किया था आपने दो चैप्टर्स का तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकांशतः जो लोग हैं कैन नॉट रीड कंफर्टेबली सुविधा
सुविधाजनक रूप से नहीं पढ़ पाते, कंफर्टेबली नहीं पढ़ पाते, एंड डिस्टिंक्टली, ये आपका देखो, एंड नीड कन्वर्जिंग लेंस फॉर एप्रोप्रिएट पावर और इसी में सम पर्सन आपका नाम सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों से आपका नाम देखो तो देनी, जिनको दोनों प्रकार की बीमारी होगी देनी बाइफोकल लेंस। तो ऐसे ऐसे लोगों को बाइफोकल लेंस की जरूरत होती है, याद रखेगा। तो ये हो गया आपका नाम देखो। इसके बाद 26 में आपका आ जाइएगा, इन कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस, जो ये कॉमन टाइप्स के बाइफोकल लेंसेज होते हैं, याद रखिएगा, द अपर पोर्शन जो ऊपर का पोर्शन होता है आपका नाम देखो, दिस इज द ये अपर पोर्शन ऑफ लेंस कंसिस्ट ऑफ कंकेव लेंस होता है आपका देखो एंड फैसिलिटेट्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंट विजन भी आप लिख सकते हैं। द लोअर पोर्शन ऑफ लेंस सबसे ज्यादा लड़की ये बोलती है जो ये बाहर निकलती है लड़की ये स्कूल टीचर के यहां से सबसे ज्यादा चकर 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 पता नहीं। द लोअर पोर्शन ऑफ लेंस इज कन्वेक्स लेंस, इनको प्रैक्टिकल में मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं, एंड फैसिलिटेट ये घर से भी इसने आधे घंटे पहले आ जाती है यहां नियर विजन, पता नहीं कब सरकार इनके ऊपर बैन लगाएगी। यानी कहने का मतलब जैसे आपका नाम जो जैसे ये जो चश्मे आपके होते हैं इसमें ऊपर आपके नाम देखो कितने सीधा कनकेव होता है ये और नीचे आपके नाम देखो जिसका ये कन्वेक्स लेंस होता है ये। तो दिस इज तो दोनों मिला करके तब आपका नाम देखो सीधा ये बाइफोकल लेंस बन जाता है। अब ऐसे बच्चों को जो ये बदतमीज होते हैं इनके कान के पीछे मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए इनके स्कूल टीचर को, पेरेंट्स को तो मारना चाहिए। वो जब बाहर निकल रहे इतने शोरगुल उसके वहां नहीं जा रहा होगा, दोनों मियां बीबी डम एंड डीफ है क्या हो या मूर्ख है दोनों, या सरकार का मजाक बना रहे हैं या स्कूल का मजाक बना रहे हैं या आर्टिकल 28 को तोड़ रहे हैं। अभी 3 लाख रुपए की दोनों मियां बीबी में 6 लाख की पेनाल्टी पड़नी चाहिए और 6 महीने की 6-6 महीने की दोनों को जेल होनी चाहिए। ये देखो वहां से हम अंदर से बाहर आए कि चलो यहाँ आपका वो और ये और दुर्दांत आतंकवादी, और मकान मालिक को बोलना पड़ेगा इनको निकालो कल से। पॉइंट नंबर 27 है नाउ डेज नाउ और ए इसके बीच में डैश होता है मैंने एक साथ लिख दिया है
तो नाउ अ डेज अपन जिसको टू डेज भी आज कहते हैं, आजकल डिफेक्ट्स ऑब्विजन जो दृष्टि आपके जो इनके डिफेक्ट्स हैं कैन बी करेक्टेड, ये आपके सही किए जा सकते हैं आपका देखो नाउ बाय द यूज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस आपकी हो गई और थ्रू सर्जिकल नाउ दिस अ टेक्निक जिसको यूज इट लेजर लाइट भी कहते हैं अगर आपने सुना होगा, कहीं में क्या होता है आपका नाम ये जो आप आई होती देखो आई में आई बॉल को निकाला जाता है और ये बीच वाला जो पोर्शन होता है आपका देखो ना देख सकता ये छोटे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं आप प्यूपिल, इस प्यूपिल के अंदर जो है आपका ना स्ट्रेचिंग करके टाके से उनका तागा ही लगा था वो फिर दवाई से ही मेल्ट हो जाता है आपका ना अंदर ही अंदर ये दैट इज कॉल्ड द EOL इंट्रा ऑर्बिकुलर लेंस कहते हैं जिसको, ये मेरी मदर को लगा था एंड द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वॉज आई होप सो दैट जितना मुझे याद है तब मैं बच्चा ही था आप ही की उम्र में हूँगा तो ये लखनऊ में लगा था संजय गांधी किसी मेमोरियल इंस्टीट्यूट में आपका लगा था इंट्रा ऑर्बिकुलर लेंस और उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस तो वो होते हैं जैसे लेडीज ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करती हैं मेरे हिसाब से अगर मैं नहीं हूँ तो ऐसे करके यूँ करके देखा आपने वो लेंसेज होते कौन से लेंस हाँ हाँ वही तो कॉन्टैक्ट लेंसेज जिनको आप कह रहे हैं उनको कलर वाले भी आते हैं हाँ हाँ आजकल तो पता चला मम्मी ने ग्रीन साड़ी पहनी तो ग्रीन रंग के कॉन्टैक्ट लेंस, लाल रंग की साड़ी पहनी तो लाल रंग के कॉन्टैक्ट लेंस, ब्लू कलर की साड़ी पहनी तो ब्लू कलर के, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है आंख पहले आपको पानी से धो करके और उसके बाद जो है आपका उसको डाइल्यूट करके उसमें लगा करके फिर उसके बाद ऐसे यूं करके लगाना पड़ता है उसको यूं करके और फिर आपने उसको कहीं मुंह तो धोना ही नहीं है पता चला वो नीचे छूट गया, पहले किसी जमाने में चश्मा कम रेंज का बनता था वो तीन तीन साढ़े तीन तीन चार चार हजार के बनते थे छः छः हजार के बनते थे किसी जमाने में अब तो बहुत कम, लेकिन उसका क्या अगर थोड़ा सा भी कभी क्रैक सा कहीं पर भी आ गया आपका ना थोड़ा सा आपका ना एक बाल बराबर भी आपका ना जिसको आप कहते हैं तो वो खराब हो गया फिर वो आपके आयरिश को आपकी प्यूपिल को डैमेज कर सकता है ये आपका ना होगा यार वो मेम्ब्रेन का ही बना होता है नहीं प्लास्टिक हल्का सा बहुत जिसको आपका ना अच्छी क्वालिटी आपका गुड क्वालिटी है एग्जैक्टली तो ना तो EOL भी आपका नाम इंट्रा ऑर्बिकुलर लेंस मेरी मदर को लगा था और मैं बड़ी ताजुब की बात बताऊं आई वॉज BSc करने के बाद मेरी नई नई MCA करने के बाद और मेरा जॉब लगा था दिल्ली तो एक दिन में आया था उस समय मेरे मकान के बाद यहीं कुछ नहीं बना हुआ था माई फादर वॉज इन ए जॉब तो सिस्टर बहुत छोटी थी आई वॉज जस्ट सिटिंग विद माई मॉम बोले बेटी वो देखो सामने कोई आ रहा है मतलब जो इधर गैस गोदाम वाली रोड है वो मेरे हिसाब से मेरे घर से 250 मीटर तो मेरे घर से होगी ज़्यादा ही होगी इधर का पोर्शन उधर नज़दीक है इधर उधर से जब आते तो 8वां मकान है मेरा इधर अगर आप बन जाएंगे तो 12-13 मकान होंगे आपका क्योंकि तो उसके बाद भी आपका 1-2-3 प्लॉट चार प्लॉट खाली है तो आगे मतलब जाएंगे तो मैं कह रहा मम्मा कहाँ है बताइए तो फिर गुने दिख रहा वो देख तो आ रहा है मैं कहा मम खाली क्यों बोल रही हैं आप तब तक वो जब घर के पास ही आके बोला ये देखने कपड़े क्या बोले थे मैंने माई मॉम टेलिंग उस समय लाइट इतनी नहीं थी अब सन 95 में क्या स्टेटस होगा हल्द्वानी का आप खुद ही सोचिए ये जहां जिस जगह में हम बैठे थे ये गिनी चुनी बिल्डिंगें होती थी यहां ये बिल्डिंग थी जिसमें हम कोचिंग है यही बिल्डिंग थी पीली कोठी से आने के बाद इसके बाद वो सामने वाली बिल्डिंग थी दुर्गापाल जी की और इसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल फेस्पिटल कोई नहीं था छोटी सी बिल्डिंग थी और यहाँ से जब हम गैस गोदाम को जाते थे
तो सुषमा सदन जिसमें आजकल नेगी जी ने द्रोणागिरी करके तिमंजिला बना दिया है, वो मर्चेंट नेवी में था, उनका मकान बहुत खूबसूरत लगा था, सिंगल स्टोरी का था और एक मकान उन्होंने ऊपर बनाया था कार पोर्च के ऊपर। मगर आज आप देखिए, आपके वाली रोड में निकल जाओ और इस वाली रोड में निकल जाओ तो पांव रखने की जगह नहीं है मेरे हिसाब से। इवन देन व्हेन आई केम हियर आपका नाउ 2002 में जब मैंने कोचिंग खोली हल्द्वानी में दोबारा दिल्ली से, तो आई यूज टू गो विद माई वाइफ आपका नाउ अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock समटाइम्स ऑन संडे, क्योंकि और दिन तो मेरी 3:30 बजे सुबह क्लास, 3:30 बजे 9 का बैच मेरे यहाँ 3:30 बजे आ जाता था सुबह। अब आप लगा लीजिएगा, तो संडे के दिन में और वाइफ 4 बजे, उस समय बहुत झाड़ झंकार वगैरह, इसमें आपके वाली रोड में भी कोई मकान नहीं था, सिर्फ माता मंदिर था जो यहाँ पे एक नीचे माता मंदिर है बस इस रोड में जितना मुझे याद है, और नीचे तक तो होता ही नहीं था। तो जो बिरला स्कूल है बात को बना, बिरला स्कूल तक हम घूमने जाते थे, इधर झाड़ियाँ उधर झाड़ियाँ, भाई यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे रोड थी, हाँ रोड कच्ची रोड थी, मतलब थी डामर था उतना नहीं था, मतलब इक्के दुक्के मोटरसाइकिल वगैरह गांव, क्योंकि नीचे गांव है तो गांव वगैरह जो वहाँ जाती थी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वगैरह जाते थे बिल्कुल। अभी भी नैरो रोड है, कौन सी मोटी रोड है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, मतलब मोटी का मतलब वाइड नहीं है, ये था एनी हाउ 12। तो मैं सर्जिकल टेक्निक्स की बात कर रहा था और इसमें आपका EOL का इंट्रा IOL कहते हैं, सॉरी आई नॉट EO, इंट्रा ऑरिकुलर लेंस आपका इंट्रा, ये हो गया सब। इसके बाद 28th जो पॉइंट आपका था ना, देखो देखो एन ऑप्टिकल प्रिज हैज टू ट्राइंगुलर लेंसेज, ट्राइंगल बना करके मैंने इसको ट्राइंगुलर कर दिया, ट्राइंगुलर आपका लिख देता हूं इसको, तो ट्राइंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस सरफेसेस विच आर इंक्लाइंड ईच अदर, जो एक दूसरे पे आपका इंक्लाइंड होते थे, और एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस, ये एल फॉर लेटरल है, लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, उसको आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता था, यानी कि ऑप्टिकल प्रिज्म में 2 ट्राइंगुलर बेसेस और 3 रेक्टेंगुलर आपका लेटरल सरफेसेस होते थे, जो एक दूसरे के साथ आपका इंक्लाइंड होते थे, और 2 फेसेस के बीच के एंगल को आपका नाम एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता था, PRISM आपका नाम। देखो दिस, इसके बाद 29th में व्हेनेवर, जब कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, तो उस समय थ्रो अ प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म से आपका नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका नाम जब टेक्स प्लेस करती है, तो नाम जो इमर्जेंट रे होगी, EMER है, इमर्जेंट रे बेंड्स टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, इमर्जेंट रे आपका हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ आपका जो है झुकी हुई होती है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के बीच का एंगल एंड इमर्जेंट रे दोनों के बीच का, देख लीजिएगा आप ध्यान से, द एंगल बिटवीन द
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो आपका एंगल होता है इस कोण, द एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं दिस अदर एंगल ऑफ डिविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी अपन। इसके बाद 30th पॉइंट जो है आपके नाम देखो, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट अगर आपका ग्लास प्रिज्म से आगे बढ़ती है, पास होती है, गुजरती है, तो इट स्प्लिट्स, ये विभक्त हो जाती है अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यून्स सेवन कलर्स में अपना, ये टूट जाती है, विखंडित हो जाती है अपना, दीज सेवन कलर्स, ये जो सेवन कलर्स है आपका देखो ना, आर रिमेंबर्ड बाय एक्रोनिम, दिस इज ए सी आर ओ एन वाई विप्योर, विप्योर वी फॉर वायलेट, I for indigo, B for blue, C for green, Y for yellow, O for orange, R for red. और हिंदी में मुझे याद आ रहा है बैनी आहा पीनाला, बैनी आहा पीनाला, बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल, बैनी यहां पीनालू, पीनालू वाला नहीं, वो खाने वाली सब्जी होती जो पीनाल, बैनी का मतलब बहन, पीनालू ला नहीं है, तो दिस इज द विप क्योर। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट की आपकी स्प्लिंग है इनटू द कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड, इसको आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखो व्हाइट लाइट जब स्प्लिटिंग हो जाती है, अपनी स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट्स कलर्स में, अपने कंपोनेंट्स कलर्स में, तो उसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। समबड़ी के नाश क्यों, आप बाहर जा रहे, आज आपने क्या पढ़ा, कई कई मिल जाते हैं उनका, अच्छा ह्यूमन आइज पढ़ के आ रहे हो, जरा बताइए तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या हो सकता है। तो ये आपको बिल्कुल, तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एंड द बेंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स formed due to dispersion is called a spectrum, और जो band of color components है formed due to dispersion के कारण जब वो आपका नाम फिर formed होते हैं, that is called आपका spectrum से आपका कहते हैं। तो दो चीजें इसमें clear देखो आपका नाम, when the beam of light passes through, जब किसी ग्लास प्रिज्म से कोई भी बीम ऑफ लाइट आपका गुजरेगी, पास होगी, it splits up into ये सेवन कॉन्स्टिट्यूट कलर्स में आपका नाम आपका स्प्लिट हो जाती है, उन सेवन कलर्स के जो एक्रिनम है उसको आप विप्योर कहते हैं, और हिंदी में आई राइट देयर बेनी यहां पीनाला, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है कंपोनेंट्स कलर्स में उसको आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और उल्टा जब आप कर दोगे, द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स फॉर्म, और द बैंड ऑफ कलर
कंपोनेंट्स आपका बनती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से आपका फॉर्म्ड होती है, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, उसको कहा जाता है। ठीक है, इसको और जाते जाते मैं आपको, क्योंकि आपने क्या कहा लाइट, आपने बोला, बाकी पॉइंट्स तो कल लिखाऊंगा, लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स, आपका अगर सी ओ एल ओ आर एस भी लिख रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ना दो कलर्स आपका ना दो। इसी में आपने जो बोला नेमली वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो विजिबल की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो विप क्योर है, वैसे तो आपका क्या रहेगा, वैसे विप क्योर है सेवन आपका, रेनबो, इंद्रधनुष, देखा कभी बनते हुए, कब देखा, सुबह या शाम, पहले हम जब बचपन में थे तो हमको हम सर ये बोला एक पाइप लगा ना नीचे नदी से जो ऊपर को भगवान जी पानी उठा करके आकाश में भेज रहे, तभी तो पानी बारिश होती है, ऐसा कहते थे हमको, सिखाते थे, पता नहीं कैसे मास्टर थे वो, मेरी समझ में नहीं आता। जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर की जो मैं बता रहा हूँ वेवलेंथ होती है 400 to 440 नैनोमीटर, दिस इज द वेवलेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, वेवलेंथ जो आप लैम्डा कहते थे आपका, ब्लू वाले की जो होती है 440 to 480 नैनोमीटर होती है, ये आपका नाम, दिस इज द ग्रीन की 480 480 से लेके 560 नैनोमीटर होती है ग्रीन, ग्रीन के बाद आपका नाम येलो, येलो की जो होती है आपका 560 से लेकर के 590 नैनोमीटर तक होती है, और जो ऑरेंज होता है दैट इज सॉरी ऑरेंज पहले लिख दो नारंगी 590, वो इसी के बीच में आ जाता है हल्का सा आपका नाम, इसलिए आपका नाम ऑरेंज की आप 590 से लेकर के आप ना 630 नैनोमीटर में आ जाती है, और रेड की आपका 630 रेड की आपका 630 से लेकर के 700 नैनोमीटर, गाड़ियों के रेड लाइट लगती है क्योंकि दूर से आपको दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, हमेशा याद रखिएगा, सिग्नल्स जितने होते हैं आपका सिप्स में आपका नाम जो नीचे या एरोप्लेन में आपके लगते हैं नीचे से आपका रेड लाइट होते हैं, बड़े बड़े जितने टावर्स हैं आपका नाम उनमें भी आपका नाम के कोई चीज इनसे टकराए नहीं आपका नाम, तो ये आपका नाम जैसे इसी में मैटर तो बहुत है, सो इसी में आपका नाम देखो, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक्स्ट्रा की बात करूंगा, ये मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट्स तो मैं कल आपको और लिखाऊंगा उसके बाद, तो नहीं द सोर्स ऑफ लाइट आपका जो होता है, जो लाइट की सोर्स होती है मे बी, ये आपका नाम दिस इज द, ये मोनोक्रोमेटिक हो सकती है आपका नाम देखो, या ऑन ये आपका पॉलीक्रोमेटिक हो सकती है, दिस इज ये आपका नाम। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये है क्या आपका नाम मोनो वन कलर लाइट जी, वन कलर लाइट मोनोक्रोमेटिक पढ़ा है आपने, सोर्स बिल्कुल सही, सोर्स इन वन विच प्रोड्यूस बिल्कुल सही आपने कहा सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट पढ़ा है, तो जो खाली तो कम आ रहा है मोनो सुन करके, तो ये आपका नाम इसमें जो आपके एग्जांपल में आते हैं जैसे नियॉन बल्ब आपका आता है आपका देखो ना दिस ये जो आपका सोडियम आपका नाम वेपर जो लैंप होते हैं आपका नाम देखो दिस ये आते हैं इसमें आपका नाम देखो दस, और नाम से अगर मुझे बता रहे तब तो पॉली क्रोमेटिक
ये पॉलीक्रोमेटिक शायद आपके स्कूल में बताया नहीं होगा, तो पॉलीक्रोमेटिक सोर्स इन वन विच प्रोड्यूसेस मैनी वेवलेंथ ऑफ लाइट, कई प्रकार के अपना जो आपका वेवलेंथ वाली लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उनको आपका पॉलीक्लिनिक, जहां कई ट्रीटमेंट इलाज होते हैं, कई बीमारियों के ट्रीटमेंट हो। दिल्ली वगैरह में जैसे क्या करते हैं लोग, पॉलीक्लिनिक लिख देते हैं, उनके पैनल्स में डॉक्टर आते हैं, उन्हें कहा सर इसको लेबर पेन हो रहा लेडी को, बोला अच्छा अभी आ रहे गायनी वाला ऑप्स वाला आपका नाम देखते सर, उन्होंने कहा साहब इसका ब्रेन वाला आ गया, तो ये आपका मेडिसिन एमडी को बुलाना है या आपका साइकेट्रिक को आपको बुलाना है या मतलब तो पॉलीक्लिनिक बच्चे वाले को बुलाना है किसी को आपका ना सर, तो ये आपका पॉलीक्रोमेटिक। और इनमें आपका जो इनके एग्जांपल्स होते हैं वो आपका नाम दिस ये बल्ब और आपका कैंडल, ये आपका पॉलीक्रोमेटिक ऑफ लाइट है जी। वेब लीजिए सोडियम वेपर लैम्प जी, नियॉन बल्ब। इसी में पहले किसी जमाने में पढ़ाया जाता था नाउ दिस द प्राइमरी कलर्स। इस प्राइमरी कलर्स का मतलब कि प्राइमरी कलर्स आर द कलर्स ऑफ लाइट, ये वो कलर्स ऑफ लाइट होते हैं व्हेन मिक्स, जब आप इनको मिक्स कर देते हैं आपका देखो ना इन इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल का साइन बना के प्रपोर्शन लिखा हुआ है, मैथ वाले हैं तो थोड़ा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो प्रोड्यूस ये व्हाइट लाइट को आपका प्रोड्यूस करते हैं, याद रखिएगा जब इनको प्राइमरी करा देखो तो कलर्स ऑफ लाइट व्हेन मिक्स इन इक्वल प्रपोर्शन प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट, तो ना जो देयर आर थ्री प्राइमरी कलर्स, तीन प्रकार के प्राइमरी कलर्स आपके होते हैं आपका नाम, फर्स्ट आपका नाम रेड, दूसरा आपका ग्रीन और तीसरा आपका ब्लू। ठीक हो गया, इफ वी मिक्स एनी अदर कलर्स इन एनी प्रपोर्शन वी कैन नॉट आपका नाम ऑप्टेन द अबव थ्री कलर्स, तो नाउ दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी आपका नाम। अब आपका इसी में इन तीनों कलर से जब आप रेड को आपका नाम ग्रीन के साथ आप मिला देंगे आपको पता कौन सा कलर बनता है, येलो, तुम्हारी सांस को ले जाएगा तुम्हारा नालक सांस हो तो कम मत मारो। और जब आपका नाम रेड, जब रेड आप है नहीं, जब रेड ब्लू के साथ मिलाएंगे तो आपका नाम दिस इज द मैजेंटा कलर आपका बनेगा। मैं रेड कलर ही रेड कलर खाली रेड कलर 31 कलर होते रेड में डार्क वगैरह मिलाकर, क्योंकि मैं जब भिवाड़ी में था आपका नाम तो मैं स्कूल्स को देखा करता था तो वहां पे स्टिकर्स वगैरह बनते थे, जकार्ड लूम पे काम करता था, एयरजेट लूम पे काम करता था, फैक्ट्री मैनेजर था मैं वहां, तो वहां पे हम लोग यही देखते थे ब्लैक कलर खाली का जब 15 कलर ब्लैक में होते थे उस जमाने में, व्हाइट में ही 15 कलर है, आप इस बल्ब में देखेंगे अलग उसका होगा उसका, तो उनको वही हमारे जो ऑपरेटर्स होते थे जो आपका उनको या कंप्यूटर पे आप मिलाते थे उनको, तो नाउ दिस तो ये आपका, उसके बाद नाउ दिस ब्लू प्लस ग्रीन बहुत छोटी उम्र में शाइन कलर, ये देखो अपन CYA जी। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, जाते जाते एक आइडियोलॉजी आपके हो दोज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स विच वेन मिक्स प्रोड्यूसेस, जब आपका ना देखो प्राइमरी कलर्स और प्लस सेकेंडरी कलर्स को आप मिक्स्ड करेंगे उसके बाद दे विल प्रोड्यूस ये आपका ना व्हाइट लाइट आपका ना प्रोड्यूस करेंगे आर कॉल्ड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स।
उनको आपका नाम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपका कहा जाता है आपका नाम देखो ऐसे तो जैसे फर्स्ट येलो एंड ब्लू आपका नाम देखो मैजेंटा एंड ग्रीन आपका नाम देखो जैसे शाइन एंड आपका देखो शाइन और प्लस रेड क्योंकि ये सुपर पोजिशन ऑफ लाइट ऑफ प्राइमरी कलर्स जो आपने देखो रेड प्लस ग्रीन इज इक्वल जो आपने बोला आपका नाम द मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी कलर इज कॉल्ड द सुपर पोजिशन ऑफ प्राइमरी कलर ये जो आप देख रहे हैं ये दीज आर कॉल्ड ये सुपर पोजिशन है ये जो तीनों है आपका सुपर पोजिशन ऑफ आपका नाम दिस द कलर व्हेन द प्राइमरी कलर्स आर मिक्स वी ऑब्टेन द फॉलोइंग कलर्स आपका नाम ये जो आपका है तो ये जो आप देख रहे हैं येलो है मेजेंटा है साइन है ये आपका दीज आर नॉट ए प्राइमरी कलर ये प्राइमरी कलर्स को आपने मिक्स किया तो सुपर पोजिशन आपका नाम दिस इज द प्राइमरी कलर्स होते हैं आपका नाम इज इट क्लियर कॉम्प्लीमेंट्री आपका होगा तो ना तो जब आप येलो और ब्लू को आप मिलाएंगे तो ये भी आपका देखो नाम दिस इज द ये व्हाइट होगा व्हाइट देखो प्रोड्यूस व्हाइट लाइट आप मेजेंटा और ग्रीन को आप मिलाएंगे तो ये भी आपका व्हाइट होगा शाइन और रेड को आप मिलाएंगे तो ये भी आपका तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कलर्स प्लस आपका जब सेकेंडरी कलर्स को जब आप मिलाते हैं तो व्हाइट कलर आपका आता है अभी अभी ये ये, ये अभी मैं बता नहीं सकता अभी फिलहाल तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स से आपने क्या प्रोड्यूस किया सेकेंडरी कलर्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन इसका जो बेसिकली क्या होता है इसको जो बनाते हैं द कलर ट्रायंगल कहते हैं सर ये येलो मैजेंटा साइन ये सब सेकेंडरी कलर है जी ये जो येलो मैजेंटा साइन है इनको कहते हैं आपका नाम ये प्राइमरी कलर्स के मिक्स होने के बाद है इसका और सुपर पोजिशन ऑफ प्राइमरी कलर्स ये भी खत्म सुपर पोजिशन ऑफ प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं वही तो देखो ये ट्राइंगल शेप में आपका देखो ना जब रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा बने ब्लू और ग्रीन को जब बनाएंगे तो शाइन आपका बने ये मैजेंटा एम के लिए लिख दिया मैंने और जब रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो आपका येलो आपका बना क्लियर हो गया अब आपने क्या किया येलो और ब्लू को आपने मिलाया येलो येलो और ब्लू को आपने बनाया तो व्हाइट बन गया मैजेंटा ग्रीन को आपने बनाया तो व्हाइट बन गया शाइन रेड को आपने बनाया तो देखो आपका व्हाइट बन गया डब्ल्यू डब्ल्यू रेफर फॉर डब्ल्यू एच व्हाइट हो गया तो ये कलर ट्राइंगल होता द सम ऑफ द कलर्स ऑन द एपेक्स एंड द साइड अपोजिट टू इट साइड अपोजिट टू इट आपका साइड अपोजिट टू इट दिस इज कॉल्ड द ये आपका क्या हो गया इट प्रोड्यूसेस द व्हाइट लाइट इसी में आगे जाकर के पिगमेंट्स एंड देयर मिक्सिंग आपके पिगमेंट जानते हैं छोटी सी सीसी आपने ली इतनी सी नहीं और जैसे आपने कमरे में ब्लू कलर करना तो छोटी सी पिगमेंट ले लो उसको चूने में मिला दो नीला हो जाए पीला करना है आपने पिगमेंट इतना छोटा सा लिया तो आपका नाम देखो जैसे मतलब पिगमेंट कुछ नहीं होता पिगमेंट आर द कलरिंग मटेरियल्स आपका कहते हैं विच वी एड इनटू सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस द कलर वो पिगमेंट्स होते हैं तो दीज पिगमेंट्स में भी हैव मिनरल हो सकते हैं आपका एनिमल्स हो जाते हैं आपका वेजिटेबल आपके हो सकते हैं सिंथेटिक आपका आपका ओरिजिन हो सकते हैं तो आउट ऑफ दीज मिनरल पिगमेंट इज मोस्ट स्टेबल आपका नाम अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो पेंट्स होते हैं या डाइज होते हैं आर यूज एज ए पिगमेंट पिगमेंट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स व्हेन लाइट फॉलिंग ऑन इट ये पेनिट्रेट करते हैं द स्मॉल डेप्थ वेयर सम ऑफ द वेवलेंथ आर सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनको कहते हैं एनी हाउ तो ये था मतलब जाते जाते मैंने कहा कि थोड़ा इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि खाली हमारे कोर्स में नहीं है ये नहीं है ये नहीं है कहने से बढ़िया नॉलेज सबके लिए क्योंकि विकास और विनाश
बोथ आर स्टार्टेड फ्रॉम वी, दोनों का जॉडिक साइन एक ही है. Have a nice evening to all. God bless you.